का मेरा भी काम नहीं हुआ, बजब निकाह हो गया, निकाह हो गया। उसके बाद भाई रुखसाना रोज लड़े, रोज काम के लिए लड़े, रोज लड़े। भाई मैं एक दिन एक काजी के नौकरी पे लग गया। जब मैं काजी के नौकरी पे लग गया, काजी घरवाली कहने लगी, नो शेख सिंह एक बात सुन, तुझे जितना काम बताया जाएगा उतना ही करिए, तूने फालतू किया तो भी पिटेगा और कम किया तो भी पिटेगा। तो मैंने कहा साले ये तो गड़बड़ हो गई, मगर ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने कहा मैं पर्चे पे लिख दे, जब करूंगा मैं तो दिक्कत में करूंगा, तो ऐसे मैंने लिखवा के जेब में रख लिया। बच्चा मैं अगले दिन गया, मैं बैठ गया जाकर कुर्सी पे, साले का बैठ जाऊ कुर्सी पे, मैं कहा मैंने तो लिखवा रखा, जितना कहेगा उतना काम करो, नहीं करो नहीं। बच्चे मैं घंटे दो घंटे बैठा रहा, और उसकी घरवाली ने सोची तो फिर ही तनखा लेगा, लेकिन शेख सिंह मैं कहा हाँ हाँ ऐसा कर, ये मेरा लोना छोटा खली इधर खली इधर 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 खेत में पखाना करा कर ला। मैंने कहा साले ये भी गड़बड़ होगी, बब नौकर था मैं मना नहीं कर सका, मैं कहा खली ला। मैं लेकर मैं छोटा आया था, मैं थाले खेच, मैं कहा नीचे गड़ जा, आ जा नीचे। मैंने रास्ते में थका लिया खलील को, रास्ते में थका लिया मैंने, इतना खेत में ले नहीं गया, मैंने बैठा दिया खेत में जाकर। मैं बैठ गया, बैठ बैठ है बैठ, और मैंने एक डंडी तोड़ ली, मैं बैठ गया उसके सामने। मैं कहा एक बात सुन ले खलील के बच्चे, अगर तूने पखाने के साथ पेशाब किया साले तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। और आप पेशाब, मैं पेशाब मत कर दिया हूँ, बाबू कह रहे मेरा तो मेरे की पेशाब मत करे तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। भाई कह लगा मैं नहीं कर रहा पखाना, मगर नहीं कर रहा था अपने घर चल। बस जैसे मैंने घर ले जाकर, मैंने घर ले जाकर मगर नहीं कर रहा चल, बस साले ने तंग कर दिया मुझे, मगर मैंने बैठा दिया ये मैं, बस जाते साले ने बहाना कर दिया पलंग पर। उसकी घरवाली कहने लगी शेख सिल्ली, मैं कहा हाँ जी, नहीं से तू खेत में पखाना कर रखना ला सके, मैं कहा मैंने कब मना करी, तो मैंने तो इसलिए कहा था कि पखाने के साथ पैसा मत करियो। कह लगी पैसा तो करते हैं बच्चे, मैं कहा हाँ करते हैं बच्चे, मैं पर्चा मिला लेते हैं, कहा जितना कहे उतना काम करूंगा, तेना पखाने के लिए कहा पेशाब के लिए तो कहे नहीं साली, या तो यूं पिटता फिर मैं पिटता या तो यूं। मैं साले की नौकरी छोड़ दी, मैंने सोचा अपनी जगह के दूसरी जगह लगवा लूंगा। बाबा मैं जब घर पहुंचा तो मैंने देखा अम्मी नहीं दिखाई दे रही, अम्मी कहाँ गई। हेलो रुखसाना से पूछता हूँ, रुखसाना हाँ शेख जी, अम्मी कहाँ गई, अम्मी अम्मी हेलो अम्मी तो खालू के यहाँ गई है। खालू के गई है? हाँ खालू जानते हैं ना, माँ अपने जी यानी मौसा के यहाँ, अपने जीजा खालू कहते हैं। कोई बात ना, मगर लेन दे खालू के मौज, लेन दे मौज अम्मी को क्या रखा, मगर खुली चरण दे अम्मी को अब्बू भी ना लेन दे मौज। मुझे क्या आपसे जाना, मौज चल रही है। मैंने अगले दिन फिर पूछ लिया, रुखसाना हाँ शेख जी अम्मी कहाँ गई। शेख जी अम्मी तो खालू के यहाँ गई है, कल भी खालू गई थी आज भी चली गई। तो मैंने अपने मुंह से साले कुछ गड़बड़ है जरूर, रोज अम्मी खालू पे घुसी रहे, मैं कब गौर से देखूंगा। तो मैंने एक दिन फिर देखा, फिर अगले दिन देखा, फिर देखो तीसरे दिन फिर गायब। मगर साले अगर मैंने जोर से पूछा तो मोहल्ले वाले सोचेंगे इसकी साले की अम्मी खुई रहे, मगर आराम से पूछ लेता हूँ। रुखसाना हाँ क्या बात है, कट रही है साले का बक्कल सवार दूंगा। हाँ शेख जी क्या बात है, अम्मी कहाँ गई है? शेख जी अम्मी खालू के यहाँ गई है, खालू के खालू के खालू के, मैं 24 घंटे खालू के घुसी रहे, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती अम्मी के बारे में ऐसे बोलते हुए? शर्म नहीं आती, मैं पहले तुझे क्या अपना बुढ़ापे में कब हवा लग जा, बिल्कुल पागल ही हो। मैं पागल हूँ? हाँ मैंने जमाना देखा, जमाना मैंने
मैंने भी दुनिया देखी है दुनिया खंगावली वालों मैं इसे दुनिया का जवाब दिखा दी साले में तो सही ना हाँ फिर भी ध्यान रखना अम्मी का मुझे अम्मी पे शक लग रहा शक लग रहा है हाँ। निकलो अपना काम करो मेरे तजुर्बे में बेकार समझ रही है हाँ देख लूंगी तुम्हारा तजुर्बा जा 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 निकल जा साले को ऐसा मारूंगा जैसे अब्बू मार था अम्मी को बस भैया मैंने पांच चार दिन बात नहीं करी देखो देख तेरा घर में रो रही बैठी हुई सेठ जी बैठी प्रोग्राम में बैठी है